कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, रोग क्षीण होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से ऊत क्षीण होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाएं। फिर उसी के गमले में पानी बिना नहाए नहीं डालना चाहिए क्या? वैसे शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है